डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे थर्ड जो है रिसर्च डिजाइन एम एम आर का जिसको कहा जाता है सिक्वेंशल ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च डिजाइन तो सिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च डिजाइन इज अ टू फेस प्रोजेक्ट विद अ थ्रेटिकल लेंस ओवरलेंक विद सिक्वेंशल प्रोसीजर्स यानी इसमें हम बेसिकली एक्सप्लिसिटली जो है वो थ्योरी का यूज़ करते हैं हम एक थोरेटिकल अजम्पन्स डेवलप करते हैं पहले उसकी बेसिस पे हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं और फिर जो है हम डाटा कलेक्शन की बात करते हैं एंड इट हैज़ एन अनिशियल फेज आइदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ़ द स्टडी एम ऑफ द रिसर्चर कि वो क्या स्टडी करना चाह रहा है उसमें उसको पहले क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन पहले करनी है या क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन पहले करनी है तो इट्स द प्रोगेटिव ऑफ द रिसर्चर फॉलोड बाय अ सेकंड फेज दैट बिल्ड्स ऑन द अर्लियर फेज़ यानी अगर वो क्वांटिटेटिव पहले करेगा तो बाद में क्वालिटेटिव करेगा और अगर वो क्वालिटेटिव पहले करेगा तो बाद में क्वान्टिटिव करेगा तो बेसिकली ये प्रोगेटिव ऑफ रिसर्चर है कि आ, वो इसको कैसे लेके चलेगा क्योंकि वो थ्योरेटिकली चल रहा है चीज़ों को लेकर तो इस वजह से उसने अपनी स्टडी के डिजाइन के अकॉर्डिंग जो है वो इसको फिर डिसाइड करना होता है द थ्योरेटिकल लेंस इज एक्सप्लिसिटली यूज टू डिजाइन द रिसर्च क्वेश्चंस यानी इसमें हम अगर कोई बात कर रहे हैं आ, 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 किसी भी बिहेवियर की तो उसके ऊपर जो थ्योरीज uh, अवेलेबल हैं उससे जो हाइपोथेसिस डेवलप होते हैं तो हम उन्हीं के बेसिस पे रिसर्च क्वेश्चंस बना रहे होते हैं एंड द वेट कैन बी गिवन टू इधर और डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली टू बोथ फेजेस। हम जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वेट को इक्वली और हम हो सकता है कि उसमें एक को ज़्यादा वेट दे दें द मिक्सिंग इज कनेक्टेड एज इन आल सिक्वेंशियल डिजाइन इसमें भी हम डेटा को मिक्स करते हैं क्वांटिटेटिव uh, फाइंडिंग को क्वालिटेटिव फाइंडिंग के साथ मिक्स करके देखते हैं कनेक्ट करके देखते हैं कि वो एक दूसरे को कैसे इन्फॉर्म कर रही हैं जैसे आल सिक्वेंशल डिजाइन में होता है आ, अगर हम बात करें एडवांटेजेस की दिस डिजाइन इज थेटिकली मोर साउंड क्योंकि ये थ्योरी बिल्ट डिजाइन है इसमें आपके पास ए प्रेफिनेशन अवेलेबल होती हैं आ, तो ए आर्गूमेंट अवेलेबल होता है इसलिए ये ज्यादा साउंड है कि आप जो है आ, जो भी डाटा कलेक्ट करें उस पर ऑलरेडी थेरेटिकल सपोर्ट मौजूद है दिस डिज़ाइन गिव्स इक्वल वेटेज टू बोथ टाइप ऑफ डेटा इस डिज़ाइन में हम कोई ये नहीं अज्यूम करते कि क्वांटिटेटिव डेटा ज्यादा वेट उसकी वेटेज है या क्वालिटेटिव डाटा की ज़्यादा वेटेज है दोनों ही एक तरह से दिस डिजाइन प्रोवाइड्स मोर कम्प्रीहसि रिजल्ट एज कम्पेयर टू द अदर ऑफ टू तो ये डिज़ाइन जो है इसकी साउंडनेस थ्रेटिकल साउंडनेस की होने की ज़्यादा होने की वजह से इसको इसके जो रिजल्ट्स है उसको भी ज़्यादा रेग्रेस माना जाता है और उसको ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देर इज़ अ लिटल गाइडेंस ऑन हाउ टू यूज़ द ट्रांसफॉर्मेटिव डिविजन टू गाइड द मैथड्स तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि आप कैसे जो थ्योरी की बेसिस पे जब अपने रिसर्च क्वेश्चंस बिल्ड कर रहे हैं तो आपको किस तरह डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ़ेज़ पहले होना है और उनके रिजल्ट्स को कैसे एक दूसरे के साथ मिक्स करना है तो इसके लिए आपको बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए यानी ये कोई इनिशियल लेवल रिसर्चर इस तरह की स्टडी कंडक्ट नहीं कर पाता एंड वट फाइंडिंग इन द फर्स्ट फेज विल बी द फोकस ऑफ द सेकेंड फेज़ ये भी इंटरकनेक्टेड है फर्स्ट चैलेंज के साथ ही कि आप किस तरह जो पहली स्टडी की कौन सी फाइंडिंग है जिसको सेकंड फेज़ में आप लेकर जाना चाहेंगे और उसको ज़्यादा डीपली स्टडी करना चाहेंगे और कौन सी ऐसी स्टडी की फर्स्ट स्टडी की जो फाइंडिंग है जिसको आप आ, जो है सेकेंड फेज में उतना डीपली स्टडी नहीं करना चाहेंगे तो इसके इसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ स्किल्स इन रिसर्च टू डू दिस थिंग